बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल गोल्डन आई। और मैं हूँ रैन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दैन गो एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल प्लस प्रेस द बेल आइकन सो यू गर्ल्स कैन वॉच ऑल माई वीडियोज़ ऑन द गो। चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल 1.5 किलो, चिकन 2 किलो, आलू 1.5 किलो, नमक हस्बे जायका, लाल मसाला 2 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 4 टेबलस्पून, छोटी इलायची, काली मिर्च, जायफल जो मैंने आधा लिया है, जलवत्री, मोटी इलायची, लौंग, आलू बुखारा, दालचीनी, लेमन 3 अदद, आधा पौन सब्ज मिर्चें, गरम मसाला जो इन्हीं मसालों से तैयार हुआ है, पुदीना 50 ग्राम, कोयला बखार लगाने के लिए, प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया फ्राई करके 750 ग्राम है, दही 1 किलो लिया जो मैं 3 पाव कोरमे के लिए लूँगी और 1 पाव रायते के लिए इस्तेमाल करूँगी, और क्योरा एसेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ्लेम ऑन कर लूँगी और इसमें मैं ऑयल वो यूज़ करूँगी जो मैंने प्याज फ्राई करने के लिए यूज़ किया था, वो मैंने 1/2 kg लिया था, और इसमें ऑयल ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैं बीच में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको सौते होने तक कुक करूँगी, और अब मैं बीच में चिकन ऐड करूँगी। इसको मैं अच्छी तरह 5 मिनट्स के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जायफल और जलवत्री। ये ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। चिकन फ्राई करने से पहले मैंने इसमें लेमन का रस लगा लिया था, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी दालचीनी, छोटी इलायची, मोटी इलायची, काली मिर्चें साबुत और लौंग। ये मोटे मसाला जाते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह कुक कर लेंगे। इन सबको हमने खुशबू आने तक कुक करना है। जब तक खुशबू नहीं आ जाती हम इसको कुक करेंगे। अब मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दूंगी, आलू बुखारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 पाव दही लिया और इसमें अब मैं सारी चीज़ें ऐड कर लूँगी जो मैंने कोरमे में डाली हैं, नमक हस्बे जायका, लाल मसाला 2 टेबलस्पून, सब्ज पुदीना और मिर्चें जो मैंने अभी थोड़ी सी डाली हैं और थोड़ी सी मैं बाद में डालूँगी, इसको मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद जो मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई किए थे उसको मैंने क्रश कर लिया, और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी।
अब मैं ये दही इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। अब इसमें आलू डालूंगी जो मैंने ऑरेंज कलर फूड लगा के फ्राई कर लिए थे हल्के हल्के से। और इसको अब मैं 10 मिनट के लिए पका लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कोरमे ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला पिसा हुआ, सब्ज मिर्च और पुदीने का पेस्ट मिक्स करूंगी। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। कोयले को मैंने बघार के लिए चूल्हे पे रखा हुआ है। दम लगाने से पहले हम कोरमे को बघार देंगे कोयले का, जिससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी और कच्ची बिरयानी वाला टेस्ट आएगा। और मैं इंशाल्लाह ताला आपको कच्ची बिरयानी की रेसिपी भी बनाना सिखाऊंगी। तो कोरमा अब तैयार हो गया है और अब मैं इसमें कोयले का बघार लगाऊंगी। ऊपर ऑयल डालूंगी स्मोक के लिए और इसको बंद करके रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं बिरयानी को दम लगाने के लिए तैयारी शुरू करूंगी और नीचे चावल डालूंगी, ऑयल भी डालूंगी। चावलों की मैंने एक कनी रख के उसको बॉईल किया था ताकि दम में बिल्कुल परफेक्ट आए। चावलों की एक तह लग गई है, अब मैं इसके ऊपर कोरमा डालूंगी। और अब मैं ऊपर दोबारा चावल की तह लगा लूंगी। कोरमा सारा अच्छी तरह डाल के अब इसके ऊपर मैं चावलों की लास्ट लेयर लगा लूंगी। अब मैंने थोड़े से पानी में 3 to 4 ड्रॉप्स एसेंस क्योरा के ऐड कर लिए हैं और पानी ऊपर डाल रही हूँ और साथ ऑरेंज फूड कलर पानी में 1 टेबलस्पून वाटर में मिक्स किया और उसको ऊपर स्प्रेड कर दिया। अब हम इसे 10 टू 12 मिनट्स के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर दम के लिए रख देंगे। तो जी बिरयानी को हमारी दम आ गया और वाह क्या खुशबू है। और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। नहीं जी हमारी बिरयानी तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ।
बहुत ही मज़े की और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही मज़े की बनी है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और घर में ट्राई भी ज़रूर कीजिए। आप अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे यहाँ से सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।